व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज है 16 मई और 18 मई को हमारा एनिवर्सरी है और देख सकते हो मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है और दूसरी वाले हाथ में मैंने अभी नहीं लगाया, मैं रात में लगाऊंगी। और आज तो पूरे दिन बिजी हूँ, बहुत सारा काम था मतलब, और कल कहीं निकलना है, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो अभी नहीं बताऊंगी, बस जाके बताना है कि मैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं और वो। तो सो 18 को हमारा एनिवर्सरी है, उसके लिए हमने बहुत सारा सरप्राइज मतलब प्लान किया हुआ है, देखते क्या क्या होता है। और अभी तो मैं फिलहाल कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और मुझे भी पार्लर भी जाना है। ये सारे कपड़े मैंने आज धोए हैं, पैकिंग भी करना है, बहुत सारा काम बचा हुआ है, सो फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। हे गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ? पार्लर। पार्लर जा रहे हैं और इसमें कुछ काम कराना है, तो आपको तो पता है अब मेरा जो भी काम है वो मेरा हो चुका है। और कल हम लोग कहीं निकलेंगे, आपको कल पता चलेगा, कल नहीं पता चलेगा, अगले ब्लॉग अगले वाले ब्लॉग में मालूम चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं पार्लर और वहाँ पे इसका कुछ काम होगा, फिर उसके बाद पैकिंग सैकिंग भी है, पैकिंग सैकिंग करने के बाद फिर कल सुबह सुबह निकलना है ना, कल सुबह में जल्दी जल्दी। ओके चलो चलते हैं फिर पार्लर। क्या हाल है सर? ठीक है सर। मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज सर का बर्थडे है, अभी हम आए हैं ब्यूटी पार्लर में। ठीक है, ओके सर, एंजॉय। ओके कम। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारा आईब्रो बन चुका है, मतलब हमारा पार्लर का काम खत्म हो चुका है। सो फाइनली अभी पार्लर का काम कम्प्लीट हो चुका है और अभी हम लोग चल रहे परचून की दुकान में, एक दो सामान लेना है तो वो लेंगे और फिर उसके बाद हमने कपड़ा दिया हुआ है तो कपड़ा भी लेंगे। हाँ, कपड़ा भी दिया, कपड़ा भी लेंगे और फिर चलेंगे रूम पे। अभी हम लोग कहीं दूर नहीं गए, काली माटी में ही है, जहाँ रहते हैं वहीं आसपास में ही है और बहुत ठंडा हवा भी चल रहा है। हाँ, कंटिन्यू दो दिन से बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है ना। अच्छा, दो सौ पच्चीस गाइस, तो देख सकते हो इतने सारा लिट्टी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं रास्ते में खाने के लिए, 6-7 घंटे तो लगेंगे ही जाने में। सो हमने ये लिट्टी बनाया है और यहाँ तो बन रहा है, अभी थोड़ा बहुत पैकिंग भी बचा हुआ है। हाँ जी, कुछ बोलना है? बोलना ये है, बस लिट्टी बन रहा है, बन नहीं है, मैं बना रहा हूँ। अच्छा, सब कुछ करके दे दी, बस तुम तल रहे हो? कुछ नहीं, मेरा काम है। नहीं, वो तो बस तल रहा है। सो अभी बज रहे 11 और आपको मैं दिखाता हूँ 11 बजे भुतू क्या कर रही है, ये देखो। अभी ये मेहंदी लगा रही है, दिन में एक हाथ पे मेहंदी लगाई थी और अभी दूसरे हाथ पे लगा रही है, क्योंकि लगाकर सो जाएगी और सुबह सुबह तो निकलना है। बताओ कितने दिन में सूखेगा? पता नहीं, इसको कुछ नहीं पता कितने दिन में सूखेगा। तो गाइज, अब मैं जा रहा हूँ लिट्टी को पैक करने, पहले इसे मैं पेपर में डाल दूंगा और आपको तो पता ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये मेहंदी लगा रही है बुतू। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लिट्टी पैक करूंगा और ये कितना टाइम लग जाएगा मेहंदी लगाने में? आधे घंटा लगेगा इसको और हमें लगता है 12:15 हो चुका है अभी। तो मैं सभी लिट्टी को पहले पेपर में डालूंगा, पेपर में डालने के बाद फिर इसको मैं रैप करके फिर पॉलिथीन में डालूंगा और फिर बैग में रास्ते में खाने के लिए।
सो गाइज फाइनली हमारा लिटी पैक हो चुका है, इसमें एक नंबर। अब चलते हैं, कुछ कपड़ा भी पैकिंग करना बाकी है तो उसे भी करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, एक ये बैग और एक ये बैग, दो बैग पैक हो चुका है। तो गाइज आज हमारा पूरा पैकिंग हो चुका है और अभी तो बूतू मेहंदी लगा रही है, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे का जो ब्लॉग आएगा आप देखना ना भूलना, और फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।